हेलो बच्चों, मैं हिंदी टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी र। र कितने प्रकार के होते हैं और र से कैसा शब्द क्या लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। जैसे देखिए बच्चों, पेज नंबर 27, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 27 निकालिए। ये क्या है बच्चों? ये है पर्वत, जिसे हम माउंटेन भी कहते हैं, पहाड़। ठीक है, यह है पर्वत। यहाँ पे देखिए, जैसे पर्वत, 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 यहाँ पे र। देखिए बच्चों, यह है र। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं घर, हम लिख सकते हैं ये र से। यहाँ पे दिखा रहा है कि रेफ का कैसे यूज करते हैं, रेफ किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये है रेफ। र को और एक बार इस तरह से हम लिख सकते हैं, रेफ। जैसे देखिए पर्वत, ये देखिए प र व त, मैंने लिखा पर्वत, मगर ये बच्चों रॉन्ग है, हमें लिखना है पर्वत नहीं, पर्वत। तो देखिए प व ऊपर रेफ, ये हो गया त, इसे हम कहते हैं पर्वत, ये हम कहते हैं पर्वत। जैसे देखिए वर्षा, व श आ की मात्रा रेफ, वर्षा। उसके बाद अ थ, ये हो गया अर्थ, ऊपर अगर हम रेफ लगा दिए तो ये बन गया अर्थ। ठीक है, तो ये अर्थ रेफ का कैसे यूज किया जाता है आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा दिखाया है वर्षा, कर्म। ठीक है, अभी मान लीजिए फर्स्ट वन प प्लस र प्लस व प्लस त, तो ये हो गया, ये र को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया पर्वत, ये बन गया पर्वत। पर्वत मीन्स माउंटेन, पहाड़। उसी तरह यहाँ पे देखिए र कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा, ये र को हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया। तो उसी तरह देखिए बच्चों, ये हो गया र, फिर इस तरह से एक होता है र, उसके बाद होता है रेफ, और एक होता है ये। ठीक है, ये है, ये हम बहुत कम यूज करते हैं, ये ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ये रेफ और ये र और ये र, ये तीनों ज्यादा इस्तेमाल होता है हिंदी लिखने में। जिस तरह से देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे इस र से रेफ से वर्ड्स लिखना कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट वन देखिए प व त, सेकेंड वन अभी हमें लिखना है अर्थ। तो जब हम बोलते हैं अर्थ, मतलब अ के बाद छोटा सा र आता है, अर्थ। उसी तरह देखिए अ था ऊपर रेफ, अर्थ। उसके बाद देखिए क म ऊपर रेफ, कर्म। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन देखिए ग म ऊपर रेफ, गर्म। उसके बाद है फिफ्थ वन बर्तन, ब त रेफ न। तो इस रे को, इस र को हम रेफ की जैसा यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, और एक है गर्दन, गर्दन का मतलब होता है नेक, ये है र। जैसे हम बोलेंगे कर्म, चर्म, धर्म, जैसे देखिए धर्म, धर्म नहीं कहा जाता है, ये है रॉन्ग, धर्म, हमें लिखना है धर्म। जब हम बोलते हैं तब आता है धर्म, धर ऊपर ध म ऊपर रेफ, ये हो गया रेफ, इसे हम कहते हैं रेफ, र की रेफ, ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिखे देखिए वर्षा, वर्षा, व श आ की मात्रा रेफ, वर्षा। तो हमने बच्चों आज क्या देखा,
कि रेफ का कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे वर्षा रेन, कर्म वर्क, गर्दन नेक, फिर वर्षा वर्ष, ईयर गर्म हॉट, फिर है वर्तन। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों ये र की मात्रा, आधा व्यंजन र, और इस तरह से जब हम लिखते हैं ना प्र, ये हो गया, देखिए ये भी एक र है। तो अभी हम देखेंगे उससे हम कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया रेफ की मात्रा, रेफ, ये हो गया रेफ। अब हम देखेंगे ये र कैसे यूज होता है, ये भी एक टाइप का र है जो हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए प्र, क्री, ती, प्रकृति, प्रकृति, मतलब अगर हम लिखते हैं प्र कृति, तो ये बन जाता है प्रकृति, मुझे, पर हमें लिखना है प्रकृति, तब हम ये र यूज करेंगे। तो मान लीजिए इस र से कितने सारे वर्ड्स बनते हैं, प्रकृति, प्रकृति। उसके बाद देखिए वहां पे, देखिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पर्वत, गर्दन, पत्र। उसके बाद देखिए प्र का श, प्रकाश, प्र, उसके बाद काश। उसके बाद देखिए क्या है, प्र जा, प्रजा। उसके बाद फोर्थ वन ग्राम। उसके बाद ग्रामीण। ये सब वर्ड्स लिखा जाता है जब ये यूज होता है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसा देखिए फिफ्थ वन क्र मा, क्रम। उसके बाद प्रथम, सिक्स्थ वन क्या होगा, प्र थ मा। तो हमने अभी आपको दिखाया कि र, ये एक र ये है, फिर रेफ है, फिर ये र है, इसे हमें कैसे यूज करते हैं, ये भी एक र है। तो मैंने दिखाया प्रकृति, प्रकृति, प्रकाश, प्रकाश, प्रजा, प्र ज में आ की मात्रा जा, प्रजा, ग्राम मा, ग्राम, क्र मा, क्रम, प्र था मा, प्रथम। ये है र और रेफ की, रेफ कैसे लिखना है। अभी मान लीजिए हम लिखते हैं पुत्र, ये हो गया पुत्र, पर हमें क्या लिखना है, प्र का ट, प्रकट। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसा वर्ड्स, देखिए 27 में, पेज नंबर 27 में लिखने का अभ्यास करने के लिए कहा गया है आपको। नीचे ऊपर जो वर्ड्स दिया है वही देख के आपको यहाँ पे टू टू टाइम्स लिखना है। उसके बाद देखिए बच्चों, अभी तो हमने आज देखा रेफ कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट वन, जैसा देखिए हमने देखा रेफ के बारे में, तो पर्वत, पर्वत, पर्वत का होता है माउंटेन, माउंटेन। उसके बाद सेकेंड वन क्या है, वर्षा, वर्षा, रेन। थर्ड वन देखिए वर्ष, वर्षा और वर्ष, ये है वर्ष, और ये हो गया ईयर। उसके बाद फोर्थ वन देखिए गर्दन, ग द, रेफ ना, नेक, नेक। उसके बाद गर्म, हॉट। उसके बाद देखिए सिक्स्थ वन कर्म, वर्क। तो आज हमने देखा कि रेफ कैसे यूज करते हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है, प व त, पर्वत, प व रेफ त, पर्वत, व श आ की मात्रा रेफ, वर्षा रेन, व स रेफ वर्ष, ग द रेफ
गर्दन, नेक, ग म ऊपर रेफ गर्म, रे हॉट, क म रेफ कर्म वर्क। तो ये हो गया रेफ का यूज। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, धन्यवाद।